हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्रीकल्चर सक्सेस भानीराम डाल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अपने प्लांट न्यूट्रेंट्स वीडियो सीरीज के अंदर चार वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंदर अपने प्लांट न्यूट्रेंट्स, असेंशियल प्लांट न्यूट्रेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रेंट्स, उसके अलावा फंक्शन, डेफिशेंसी के सिम्टम, टॉक्सिसिटी की बात कर चुके हैं। उसके अलावा अपने हिडन हंगर और लॉ ऑफ मिनिमम जैसे कुछ और इंपॉर्टेंट जो आस्पेक्ट हैं न्यूट्रेंट्स के, वो उन पर डिस्कस कर चुके हैं। ये प्लांट न्यूट्रेंट्स वीडियो सीरीज का पांचवा वीडियो है, जिसके अंदर अपने फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी काई के विकार का डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखो, जो मेजर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो अक्सर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंशली जिनके क्वेश्चन आते रहते हैं, उन पर अपने थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे, और जो बहुत ही माइनर है जिनके पूछे जाने के चांसेस रेयर रहते हैं, उन पर ज़्यादा अपने डिस्कस नहीं करेंगे। देखो, सबसे पहले इंटरनल नेक्रोसिस इन मैंगो, आम का आंतरिक उत्तक से बोरोन डेफिशिएंसी से होता है। हार्ड फ्रूट इन सिट्रस, नींबू वर्गीय फलों का, कठोर फलों, नींबू वर्गीय फलों में कठोर फलों का बनना बोरोन डेफिशिएंसी से होता है। हार्ट रोट या क्राउन रोट, शुगर केन का और मैरीगोल्ड का, ये भी बोरोन डेफिशिएंसी से होता है। हैंड एंड चिकन डिसऑर्डर है ग्रेप्स का, वो भी बोरोन डेफिशिएंसी से होता है। इसको अपने मिलनडेज इन ग्रेप्स भी बोल देते हैं, ये भी बोरोन डेफिशिएंसी से होता है। अब अपने इनकी एक एक का डिस्कस करें। सबसे पहले है इंटरनल नेक्रोसिस ऑफ मैंगो। इंटरनल नेक्रोसिस ऑफ मैंगो की बात करें, देखो इंटरनल नेक्रोसिस में क्या होता है, जो फ्रूट होता है, अगर वह अपने बाहर के इसके सिम्टम देखें तो जो लोअर हाफ पार्ट होता है वो डार्क कलर का हो जाता है, और जो सीड के पास का पार्ट होता है, मेजोकार्प होता है, उसके अंदर इस तरह की ब्राउनिंग देखने को मिलती है। ये ब्राउनिंग धीरे धीरे रोटिंग के अंदर चेंज हो जाती है, ब्राउन ब्लैक नेक्रोटिक लेसन बन जाते हैं, और ये जो होता है मेनली बोरोन डेफिशिएंसी के कारण होता है, वो अपने पीछे बात कर चुके हैं। ये जो आप सिम्टम देख रहे हो, ये इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस के हैं। जनरली जो दशहरी वेराइटी है, नॉर्थ इंडिया की सबसे पॉपुलर वेराइटी है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और नीलम और लंगड़ा जो वेराइटी है उनके अंदर ये डिसऑर्डर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है। तो अपने कह सकते हैं कि ये नीलम और जो लंगड़ा है वो टॉलरेंट वैरायटी है। इसके मैनेजमेंट के लिए अपने क्या करेंगे, फोलियर एप्लीकेशन करेंगे बोरोन का, सॉइल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, जैसे बोरेक्स है 500 ग्राम पर ट्री देंगे, और ये जो अपने बोरेक्स की जो एप्लीकेशन है वो अक्टूबर के अंदर देंगे। फोलियर एप्लीकेशन के अंदर जो बोरेक्स है वो 0.1% लेंगे, और जो ये एप्लीकेशन है फर्स्ट टाइम तो अपने अक्टूबर में देंगे, उसके बाद 2 to 3 times अपने इसके एप्लीकेशन दे सकते हैं 10 to 15 days के इंटरवल में, तो अपने इस जो डिसऑर्डर है उसको ख़त्म किया जा सकता है इस तरीके से। तो ये कंट्रोल मेजर हो गया है और इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस की बात हो गई है। नेक्स्ट अपने बात करें हार्ड फ्रूट ऑफ सिट्रस, जो सिट्रस है उनके अंदर हार्ड फ्रूट का बनना, ये भी मेनली बोरोन डेफिशिएंसी की वजह से ही होता है। देखो इसके अंदर क्या होता है, जो फ्रूट होता है वो हार्ड हो जाता है, ड्राई हो जाता है, और इसके जो रिंड होते हैं वो लंपी होकर गम जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका जो मेन फंक्शन, मेन सिम्टम होता है वो ये होता है कि जो फ्रूट होते हैं वो प्री मैच्योर, पहले ही क्या है, राइप होने से पहले या मैच्योर होने से पहले ही गिर जाते हैं, यानी उनके अंदर शेडिंग हो जाती है, और जहाँ से ये हार्ड होता है, जैसे अंदर का पार्ट जो हार्ड होता है वहाँ ब्राउनिश डिस्कलरेशन हो जाता है, और जो वाइट पोर्शन होता है यानी अल्बिडो जो होता है वहाँ पे गमी जैसे स्ट्रक्चर बन जाती है, यानी गम जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, और साथ में ब्राउन सा कलर हो जाता है, जिसको अपने क्या बोलेंगे, हार्ड फ्रूट। अब इसके कंट्रोल के लिए अपने बोरेक्स का एप्लीकेशन करेंगे, और ये एप्लीकेशन 2 to 3 times तक करेंगे अपने 10 to 15 days के इंटरवल में करेंगे, जब तक अपने पूरी तरह से इस डिसऑर्डर को खत्म ना करते हैं। नेक्स्ट ग्रेप्स के अंदर है हैन एंड चिकन डिसऑर्डर। देखो हैन एंड चिकन डिसऑर्डर है, उसके अंदर क्या होता है, जो क्लस्टर होता है ग्रेप्स का, उसमें कुछ फ्रूट का साइज बड़ा होता है और कुछ फ्रूट का साइज देखो छोटा देखने को मिलता है, इसको हैन एंड चिकन बोल देते हैं। नॉर्मल साइज की जो सीडेड बेरी होती है उनके लिए अपने हैन वर्ड यूज कर लेते हैं, और स्मॉलर साइज जो बेरी होती है उनके लिए चिक्स वर्ड यूज कर लिया जाता है। देखो ये कूल वेदर के कारण, ठंडे तापमान के कारण होता है, फ्लावरिंग के समय अगर कम तापमान होता है तो उसके कारण भी होता है, और उसके अलावा ये बोरोन डेफिशिएंसी के कारण होता है। इसको फ्रेंच लैंग्वेज में मिलनडेज भी बोलते हैं। अपने यहाँ हैंड एंड चिकन कई बार अलग पूछ लिया जाता है, मिलनडेज अलग पूछ लिया जाता है, लेकिन हैंड एंड चिकन को ही मिलनडेज बोलते हैं। तो ये हैंड एंड चिकन और मिलनडेज डिसऑर्डर हो गया।
देखो यहाँ मिले जुले जो है कुछ बड़े फ्रूट्स है, कुछ छोटे फ्रूट्स है, और यहाँ ऊपर की साइज तरफ बड़े फ्रूट है, जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं फ्रूट साइज क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। ये दो तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं, कई बार अपने इसको एन एंड चिकन डिसऑर्डर बोल देते हैं, एक कई बार इसको मिलन डेज बोलते हैं, लेकिन दोनों एक ही होते हैं, बोरोन डेफिशिएंसी से और लो टेम्परेचर की वजह से होता है। तो अपने इसके कंट्रोल के लिए बोरेक्स का एप्लीकेशन करेंगे। नेक्स्ट अगले डिसऑर्डर की बात करें, फ्रूट नेक्रोसिस ऑफ ऑनला, ये भी बोरोन डेफिशिएंसी से होता है। वाटर कोर इन एप्पल, ये बोरोन टॉक्सिसिटी और कैल्शियम डेफिशिएंसी से होता है। क्राउन चोकिंग इन कोकोनट, बोरोन डेफिशिएंसी से होता है। क्रैकिंग इन टोमेटो, ये भी बोरोन डेफिशिएंसी से होगा। ब्राउनिंग या ब्राउन रोट या रेड रोट, कोल क्रॉप्स का जो है, गोभी का भूरा अथवा लाल सड़न रोग है, ये भी बोरोन डेफिशिएंसी से ही होगा। ब्लैक स्पॉट ऑफ मैंगो, आम का काला धब्बा रोग है, ये बोरोन डेफिशिएंसी और सल्फर डाइऑक्साइड की टॉक्सिसिटी, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और भी जो पॉल्यूटेड गैसे हैं उनकी टॉक्सिसिटी से होता है। सबसे पहले अपनी बात करें इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस ऑफ आंवला। देखो इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस ऑफ आंवला की बात करें तो आंवला के अंदर का जो कलर है वो ब्राउन कलर होने लग जाएगा। देखो यहाँ पे कलर बहुत साफ है, क्लियर है, अगर अंदर इस तरह का ब्राउन कलर डेवलप होने लग जाए तो अपने इसको इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस बोल देंगे। इनर मोस्ट पार्ट होता है वहाँ पर ये देखने को मिलता है, मेनली ये बोरोन डेफिशिएंसी के कारण होता है, और इसके कंट्रोल के लिए अपने 0.6% बोरेक्स का एप्लीकेशन है वो सेप्टेम्बर टू अक्टूबर में देते हैं। चकाया है वो इसके रेसिस्टेंट वेराइटी है, लेकिन फ्रांसिस और हाथीजूल जैसी वेराइटी वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। फ्रांसिस को ही हाथीजूल बोलने हैं, वो सेंसिटिव होती है, चकाया होती है वो इसके रेसिस्टेंट वेराइटी होती है, उसके अंदर ही इस तरह का डिसऑर्डर नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपना डिसऑर्डर है वाटर कोर। देखो ये एप्पल के अंदर होने वाला डिसऑर्डर है, अंदर का जो पार्ट होता है सीड के आसपास का, तो यहाँ के आसपास क्या होता है वाटर फॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है, वाटर स्पॉट, वाटरी स्पॉट देखने को मिल जाते हैं। वैसे तो ये पर्टिकुलर जो डिसऑर्डर है ये अपने को बोरोन की टॉक्सिसिटी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है, बाकी और भी रीजन हो जाते हैं। देखो हाई लेवल ऑफ नाइट्रोजन है और बोरोन है उसकी वजह से, उसके अलावा लो लेवल ऑफ कैल्शियम है, अधिक अपने थिनिंग कर देते हैं, या फिर जो फ्रूट है वो हाई टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा लाइट के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, जिसके कारण भी क्या होता है ये जो अपने वाटर कोर है ये डेवलप हो जाते हैं। उसके अलावा अपने सही टाइम पे हार्वेस्ट नहीं करते हैं, काफ़ी टाइम लगा देते हैं हार्वेस्ट करने में, यानी मैच्योर होने के बाद भी हार्वेस्टिंग में अपने अगर टाइम ले लेते हैं तो भी वाटर कोर बनने के चांसेस होते हैं, जिससे टेस्ट होता है वो अच्छा नहीं रहता है, स्मेल भी आने लग जाती है और TSS भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कंट्रोल के लिए क्या करेंगे, अपने प्रॉपर क्वान्टिटी के अंदर एडिक्वेट क्वान्टिटी में कैल्शियम देंगे, और जो नाइट्रोजन और बोरोन की टॉक्सिसिटी होती है तो वो अपनी ज़्यादा क्वान्टिटी के अंदर नहीं देंगे। उसके अलावा आपने सही टाइम पे क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, यानी मैच्योरिटी के बाद अपने इसको लेट नहीं करेंगे, सही टाइम पे हार्वेस्ट करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो फ्रूट्स की थिनिंग की जाती है वो थिनिंग प्रॉपर करेंगे, ज़्यादा थिनिंग नहीं करेंगे, ज़्यादा थिनिंग करने से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा जो लाइट के सामने एक्सपोज हो रहा है तो अपने थिनिंग कम करेंगे तो प्रॉपर एक्सपोज, ज़्यादा एक्सपोज नहीं होगा, जिससे वाटर कोर देखने को नहीं मिलेगा। वाटर कोर जो है एप्पल का एक मेन डिसऑर्डर में से एक है, जिसे अपने बिटर पीट पड़ते हैं, उसी तरह से वाटर कोर भी एक इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है। कुछ कल्टीवार है एप्पल के जो इसके सस्टेबल होते हैं, उनको अपने लिंग लगाना चाहिए जहां पर इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे डेलेशियस है, जोनाथन है, सत्यामन है, फूजी है और हनी क्रिस्प है। ये कुछ ऐसे वेराइटीज़ है जो इसके लिए सेंसिटिव होती है, जिनमें ये वाटर कोर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट डिसऑर्डर की अपने बात करें तो क्राउन चोकिंग। देखो क्राउन चोकिंग जो होता है ये किसकी वजह से होता है, कैल्शियम कंटेंट डिजीज पाम। देखो ये वैसे तो मेनली कैल्शियम से रिलेटेड होता है, लेकिन बोरोन डेफिशिएंसी के कारण भी होता है। सॉरी कैल्शियम जो है वो हाई कंटेंट में दिखेगा और बोरोन है उसको अपने क्या है डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, तब जाके ये क्राउन चोकिंग होता है, कैल्शियम की टॉक्सिसिटी और ब्राउन बोरोन की डेफिशिएंसी के कारण होता है। ज़्यादातर जो क्राउन चोकिंग होता है वो 5 to 10 ईयर का जो पाम होता है, यानी 5 से 10 साल का जो पेड़ होता है उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, हालांकि जो फ्रूटिंग पाम होता है उसके अंदर भी ये देखने को मिलता है। देखो इसके सिम्टम क्या होते हैं, इसके फर्स्ट सिम्टम होते हैं इमर्ज ऑफ द शॉर्टर लीव्स, जो लीफ है वो शॉर्टर डेवलप होती है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो, विद डिफॉर्मेड एंड क्रिंकल लीफलेट्स विच आर द एसोसिएट विद सेवर टिप्स ऑफ द नेक्रोसिस।
ये सिम्टम आप यहाँ पे लिप्स में देखने को देख सकते हो। दोज डिफॉर्मेड लीफलेट्स फेल टू द अनफरल एंड अल्टीमेट गिव ए चॉक्ड अपीयरेंस टू द फ्रंट, हेंस दिस डिफॉर्मेटली ऑफ द पाम इज कॉल्ड एज द क्राउन चॉकिंग। ये जो इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है उसको ये अपनी क्राउन चॉकिंग बोलेंगे। इन केस ऑफ यंग पाम पेरीफेरल लीव्स क्राउन अराउंड द बर्ड एंड द प्रिवेंट नॉर्मल अनफर्लिंग ऑफ द फ्लैग लीव्स, नॉर्मल अनफर्लिंग आपको देखने को मिलेगी। इन एक्यूट केस द नेक्रोटिक ऑफ द प्रीमोडियल टिश्यू टैक द पाम एंड द क्राउन डाइज बट नॉट द सडनली, स्लोली स्लोली ये अपने को डाइज देखने को मिलेगी। द अफेक्टेड पाम लूज द वाइटलिटी स्लोली एंड स्कम्ड फाइनली विद इन 3 to 4 years, मतलब धीरे धीरे वाइलेटली खोते जाएंगे और 3 to 4 year के अंदर ये लगभग पाम खत्म हो सकता है। इसके कंट्रोल के लिए अपने बोरेक्स का एप्लीकेशन करेंगे और पर पीट के अंदर 50 to 100 ग्राम बोरेक्स का एप्लीकेशन देंगे जिससे इसकी रिकवरी हो जाएगी और क्राउन चॉकिंग से अपने छुटकारा मिल सकता है। नेक्स्ट है फ्रूट क्रैकिंग, फलों का फटना। देखो टोमेटो के अंदर, पोमग्रेनेट के अंदर, बील के अंदर ये एक मेजर डिसऑर्डर होता है। मेनली जो फ्रूट क्रैकिंग होता है, फ्रूट क्रैकिंग टोमेटो के अंदर बोरोन डेफिशिएंसी के कारण और वाटर इम्बैलेंस के कारण होता है। उसके अलावा एक्सेसिव नाइट्रोजन की वजह से भी हो सकता है, हाई नाइट्रोजन कंटेंट की वजह से भी हो सकता है। मेन जो रीजन होता है बोरोन डेफिशिएंसी और वाटर इम्बैलेंस होता है। इस तरह की जो क्रैकिंग देखने को मिलती है अपने उसको फ्रूट क्रैकिंग। उसके अलावा हाई टेम्परेचर और हाई लाइट इंटेंसिटी भी क्या करती है, क्रैकिंग को बढ़ाती है। और रैपिड जो ग्रोथ होती है, मतलब जो नॉर्मल ग्रोथ से कहीं ज़्यादा ग्रोथ होती है, उससे भी अपने को क्रैकिंग देखने को मिलती है। कुछ कल्टीवार्स होते हैं जिनके अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और कुछ के अंदर कम होती है। मेनली बोरोन डेफिशिएंसी के कारण होती है। कैल्शियस सॉइल होती है उसके अंदर स्पेशली बोरोन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, वहाँ पर इसकी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा सनलाइट के सामने एक्सपोज होने की वजह से भी अपने क्या है, क्रैकिंग देखने को मिलती है। मैनेजमेंट किसकी, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, बोरेक्स का अगर सॉइल एप्लीकेशन देना है तो 15 to 20 kg/hectare देंगे। अगर हम बोरेक्स का स्प्रे करने जा रहे हैं तो 0.25% का स्प्रे 2 to 3 times पर अपने करेंगे, फ्रूटिंग टाइम पे करेंगे, राइपनिंग स्टेज पे अपने ये स्प्रे करेंगे। वैसे स्प्रे का इंटरवल 10 to 15 days रखा जाता है। उसके अलावा जो है सॉइल मॉइस्चर है वो प्रॉपर अपने बैलेंस में देंगे, यानी मीडियम जो मॉइस्चर है उसको बैलेंस बना के रखेंगे। नेक्स्ट अगला जो डिसऑर्डर है वो ब्राउनिंग है, रेड और ब्राउन रोट इन कॉल क्रॉप्स भी बोल देते हैं, ब्राउनिंग इन कॉल क्रॉप्स भी बोल देते हैं, रेड रोट इन कॉल क्रॉप्स बोल देते हैं, ब्राउन रोट इन कॉल क्रॉप्स बोल दिया जाता है। ये जो होता है ये बोरोन डेफिशिएंसी के कारण होता है। और देखो इसके अंदर क्या होता है, ये जो पार्ट होता है इसके अंदर वाटर सॉक्ड एरिया बन जाते हैं और जो अंदर का स्टेम होता है वो थोड़ा होलो खाली होने लग जाता है। इसके बाद इसके जो होलो पार्ट है, इसके जो कोर भाग होता है या जो वॉल होती है उस पर कैविटी बनने लग जाती है जिसका कलर धीरे धीरे ब्राउन होने लग जाता है। और ये ब्राउन जब डार्क होता है तो रेड की तरह दिखने लग जाता है और ये कलर होता है ये कर्ड पर भी आ जाता है, यानी फ्लावर्स भी पर भी आ जाता है। तो इसलिए अपने इसको ब्राउनिंग रेड रोट या ब्राउन रोट कहते हैं। मैनेजमेंट में अपने क्या करेंगे, बोरेक्स के 20 kg/hectare एप्लीकेशन देंगे अगर सॉइल एप्लीकेशन देना है। अगर हमें क्या है स्प्रे करनी है तो बोरेक्स के 0.25% का स्प्रे करेंगे। नेक्स्ट है ब्लैक टिप, आम का काला धब्बा रोग, ब्लैक टिप। देखो ब्लैक टिप जो जनरली होता है, जो अपने ऑर्चार्ड है मैंगो का, उसको अगर इंडस्ट्रियल एरिया के पास लगा दें या ब्रिक्स किलन जो इंट का भट्टा बोलते हैं उसके पास लगा दें तो वहाँ पे उस धुएं से निकलने वाली कुछ गैसेस होती है, मेनली तो सल्फर डाइऑक्साइड रेस्पॉन्सिबल होती है, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, इथाइलिन है, इनकी वजह से क्या होता है इस पर ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं, इस तरह के ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं, इसे ही अपने ब्लैक टिप बोलते हैं। ये डिसऑर्डर तब ज़्यादा देखने को मिलेगा जब बोरोन की डेफिशिएंसी होगी, तो अपने कह सकते हैं कि बोरोन डेफिशिएंसी और पोल्यूटेड गैसेस की वजह से होता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड मेन है इनमें से, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और इथिलीन है। अब अपने इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मार्केट में इसका प्राइस तो कम मिलना ही है और इसमें रोटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, तो अपने क्या करेंगे जो ऑर्चार्ड है वो कम से कम अपने इंडस्ट्रियल एरिया से दूर तो रखना ही रखना है, ब्रिक्स किलन से दूर रखना ही रखना है, लेकिन अपने कितना दूर रखेंगे,
एटलीस्ट अपने अगर ईस्ट टू वेस्ट लगा रहे हैं तो 1.6 किलोमीटर डिस्टेंस पे रखेंगे, और नॉर्थ टू साउथ की तरफ रख रहे हैं तो 0.8 किलोमीटर डिस्टेंस पे रखेंगे। और जो चिमनी होती है, जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ जिससे धुआं निकलता है उसको अपने चिमनी बोल देते हैं, उसकी हाइट अपनी कम से कम कितनी मेंटेन करवानी होती है, 15 से 18 मीटर मेंटेन करवाती होती है, जिससे धुआं होता है वो ऊपर चला जाता है और चार्ट पे ज़्यादा इफेक्ट डाल नहीं पाता है, तो ये अपने कंट्रोल करेंगे। उसके अलावा 0.1% तक अपने बोरेक्स का छिड़काव करेंगे। 0.1% का मतलब होता है 1 लीटर के अंदर 10 ग्राम आप मिला दोगे तो वो 1% का बोरेक्स का सॉल्यूशन बन जाएगा। उसके अलावा कुछ एल्केलाइन सॉल्यूशन है जैसे कास्टिक सोडा है या फिर वाशिंग सोडा है। कास्टिक सोडा अगर लो तो 0.8% और वाशिंग सोडा लो तो 0.5% का घोल बनाकर अपने छिड़काव करेंगे। कौन सी स्टेज पे छिड़काव करेंगे? पहला तो अपने छिड़काव करेंगे जब फ्रूट पी साइज के होंगे, यानी मटर के दाने के होंगे, तब अपने एप्लीकेशन देंगे। उसके अलावा 15 डेज के इंटरवेल में अपने 2-3 एप्लीकेशन दे देंगे तो ब्लैक टिप का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो ये ब्लैक टिप जो डिसऑर्डर है उसके कंट्रोल मेजर है। नेक्स्ट डिसऑर्डर है ब्लैक स्पॉट ऑपी, मटर का काला धब्बा रोग बोरोन डेफिशिएंसी से होता है। डाइबैक इन रास्बेरी, रास्बेरी का उल्टा सूखा रोग बोरोन डेफिशिएंसी से होता है। जनरली अपने सिट्रस रोज की बात करें तो उनमें जो डाइबैक डिसऑर्डर होता है वो कॉपर डेफिशिएंसी से होता है, लेकिन रास्बेरी में बोरोन डेफिशिएंसी से होता है। ब्राउन स्पॉट ऑफ एप्रिकॉट, खुमानी का भूरा धब्बा रोग है, ये भी बोरोन डेफिशिएंसी से होता है। ब्राउन हार्ट, क्राउन हार्ट, हार्ट रोट इन बीट रूट एंड रेडिस, चुकंदर और मूली का ब्राउन हार्ट, क्राउन हार्ट या हार्ट रोट, ये भी बोरोन डेफिशिएंसी से होता है। क्रैक्ड स्टेम इन सेलरी, ये भी बोरोन डेफिशिएंसी से होता है। आकासिन इन रेडिस, मूली का आकासिन रोग, ये भी बोरोन डेफिशिएंसी से होता है। टॉप सिकनेस ऑफ टोबैको, तंबाकू का टॉप सिकनेस, ये भी बोरोन डेफिशिएंसी से होता है। येलो टॉप ऑफ लूसन, रिजके का येलो टॉप, ये भी बोरोन डेफिशिएंसी से होता है। फ्रूट क्रैकिंग इन पोमग्रेनेट एंड बिल, ये बोरोन डेफिशिएंसी और वाटर इम्बेलेंस के कारण होता है। इवन कभी कभार नाइट्रोजन टॉक्सिसिटी की वजह से भी देखने को मिलता है। स्प्लिटिंग ऑफ कैरेट है, ये बोरोन डेफिशिएंसी, एक्सेस नाइट्रोजन, चेंज इन सॉइल मॉइस्चर यानी नमी के असंतुलन के कारण होता है। सबसे पहले इनमें अगर अपने बात करें तो हार्ट रोट ऑफ बीट, देखो वैसे तो ऑल जो रूट क्रॉप होती है उनके अंदर हार्ट रोट होता है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट डिसऑर्डर है, कभी कभार फंगस से भी देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो सेंटर का पार्ट होता है वहाँ पर ब्राउन टू ब्लैक जो इंटरनल रोट है वो स्टार्ट हो जाती है। ये कैरेट में भी होता है, रूटबग्स में भी होता है, टर्निप में भी होता है, उसके अलावा रेडिस में भी देखने को मिलता है। ये बोरोन डेफिशिएंसी पे देखने को मिलेगा इन रूट्स क्रॉप्स में। उसके अलावा जैसे सेलरी है, फेनल है और पार्सले है, इनके अंदर सेम इसी तरह का जो डिसऑर्डर होता है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी से होता है। रूट क्रॉप में तो पर्टिकुलर बोरोन डेफिशिएंसी से होगा, और सेलरी, फेनल और पार्सनिप के अंदर जो होगा वो कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण होगा। बोरोन डेफिशिएंसी है तो इस पे अपने कंट्रोल के लिए बोरेक्स का एप्लीकेशन करेंगे, सॉइल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, फोलियर एप्लीकेशन भी देंगे। नेक्स्ट अपने एक बात की थी सेलरी का क्रैकिंग या सेलरी के अंदर स्टेम क्रैकिंग, तो ये सेलरी के अंदर इस तरह की स्टेम क्रैकिंग होती है, ये बोरोन डेफिशिएंसी के कारण होती है, उसके अलावा वाटर इम्बेलेंस के कारण होती है। प्रॉपर वाटर देना चाहिए, बोरेक्स का एप्लीकेशन देना चाहिए। अपने बात कर रहे थे टोबैको का टॉप सिकनेस, ये इस तरह से टॉप सिकनेस है, जो लीफ है उसमें ब्राउनिंग आ जाएगी, प्रॉपर वो डेवलप नहीं हो पाएगी, जिसको अपने टॉप सिकनेस बोलते हैं। कंट्रोल के लिए वही सॉइल एप्लीकेशन या स्प्रे अपने बोरेक्स का स्प्रे देंगे, तो बोरेक्स का सॉइल एप्लीकेशन देंगे या फिर स्प्रे करेंगे। नेक्स्ट है फ्रूट क्रैकिंग इन पोमग्रेनेट, बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है फ्रूट क्रैकिंग। देखो इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से होता है, जैसे बोरोन की डेफिशिएंसी होती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है, उसके अलावा पोटेशियम जो है उसकी भी डेफिशिएंसी से ये देखने को मिलता है। मेन जो होता है बोरोन डेफिशिएंसी से होता है, उसके अलावा कैल्शियम और पोटेशियम का भी इफेक्ट पड़ता है, उसके अलावा जो वाटर इम्बैलेंस है उसके कारण भी पड़ता है। अगर आप मृदा में प्रॉपर संतुलित या बैलेंस मॉइस्चर नहीं रखोगे तो फ्रूट क्रैकिंग देखने को मिलेगी। लंबा ड्राई स्पेल था और उसके बाद आपने अचानक से पानी दे दिया तो इससे आप क्रैकिंग जनरली देखने को मिलेगी। उसके अलावा अपने खेत में विंड वेलोसिटी ज़्यादा है तो भी क्रैकिंग देखने को मिलती है, इसलिए अपने क्या है विंड ब्रेकर होना चाहिए प्रॉपर। तो कई रीजन बनते हैं और कुछ जो वेराइटीज़ है उनके अंदर ये जेनेटिकली प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है।
ज़्यादातर ये प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है पोमग्रेनेट के अंदर मृग बाहर में देखने को मिलती है। देखो मृग बाहर कौन सी होती है जिसमें जून जुलाई के अंदर फ्लावरिंग होती है और नवंबर दिसंबर में फ्रूटिंग होती है, उसको उसको अंबे बाहर बोलते हैं, क्योंकि ये मानसून का टाइम होता है, कभी पानी ज़्यादा कभी कम इस तरह से होता है, तो इसकी वजह से इसमें क्रैकिंग ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हमें मृग बाहर न लेकर अंबे बाहर लेनी चाहिए जिसके अंदर सबसे कम क्रैकिंग देखने को मिलती है। कुछ रेसिस्टेंट वैरायटी है उनको अपने ग्रो कर देना चाहिए जिसकी वजह से उनमें क्रैकिंग नहीं आएगी, जैसे बेदाना है, बोस्के है, पुली है, खोग है, गुलेसा है, ये कुछ वैरायटियां हैं जिनके अंदर फ्रूट क्रैकिंग नहीं देखने को मिलती है। जैसे जोधपुरी रेड जैसी वैरायटियां उनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रूट क्रैकिंग देखने को मिलती है। हमें मॉइस्चर एडिक्यूट क्वांटिटी में मेंटेन करना चाहिए, उसके अलावा सॉइल में प्रॉपर मल्चिंग वल्चिंग करके भी अपने क्या कर सकते हैं, मॉइस्चर कंजर्व कर सकते हैं। हॉट और ड्राई जो एरिया है वहाँ पर प्रॉपर इरिगेशन और प्रॉपर फर्टिलाइजेशन का एप्लीकेशन देना चाहिए। कैल्शियम की डेफिशिएंसी की पूर्ति के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बोरोन की सप्लाई के लिए बोरेक्स का जो स्प्रे है वो 15 डेज के इंटरवल में करना चाहिए। कुछ एंटी ट्रांसपेरेंट जो होते हैं उनका एप्लीकेशन करना चाहिए, जैसे मैं बात करूँ फिनोल 5% या लिक्विड पैराफिन है 1%, उनका एप्लीकेशन देने से फ्रूटिंग फ्रूट के अंदर क्रैकिंग्स नहीं देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपने बात करें, देखो GA3 के 120 ppm एप्लीकेशन से भी फ्रूट क्रैकिंग नहीं देखने को मिलती है, और अगर हम हार्वेस्टिंग को लेट भी करते हैं तो क्रैकिंग देखने को मिल जाती है। इसलिए प्रॉपर टाइम पे अपने को क्या करनी चाहिए, हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। फ्रूट क्रैकिंग से क्वेश्चन आता है और ज़्यादातर पोमग्रेनेट से ही आता है। राजस्थान में MSc एंट्रेंस के लिए जो प्री PG का एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया था। अपने मोटा मोटा ये पढ़ते हैं कि बोरोन डेफिशिएंसी से होता है, तो वहाँ क्या है थोड़ा डिटेल से पूछ लिया गया था, तो उसमें बोरोन के साथ कैल्शियम और पोटेशियम भी दिया हुआ था। तो ये बोरोन कैल्शियम और पोटेशियम तीनों की ही डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है। उसके अलावा वाटर इम्बैलेंस है या विंड वेलोसिटी तेज होती है, उसकी वजह से कुछ के अंदर जेनेटिकली प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। बिल के अंदर भी क्रैकिंग देखने को मिलती है, फ्रूट क्रैकिंग, ये भी बोरोन डेफिशिएंसी की वजह से और वाटर इम्बैलेंस की वजह से देखने को मिलती है। वही बोरेक्स का अपने एप्लीकेशन देंगे, प्रॉपर एडिक्वेट क्वांटिटी के अंदर मॉइस्चर सप्लाई देंगे। नेक्स्ट है रूट स्प्लिटिंग। देखो सभी जो रूट क्रॉप्स होती हैं उनके अंदर रूट स्प्लिटिंग देखने को मिलती है, मेनली जो है वो कैरेट में देखने को मिलती है, और कैरेट में भी जो यूरोपियन कैरेट होती है उनके अंदर देखने को मिलती है। ये जो डायग्राम है यूरोपियन कैरेट्स का, जो एसएटी कैरेट होती है वो डार्क ग्रीन डार्क रेड कलर की होती है। देखो ये जो प्रॉब्लम आती है ये मेनली बोरोन डेफिशिएंसी की वजह से और इरेगुलर वाटर एप्लीकेशन की वजह से और नाइट्रोजन टॉक्सिसिटी की वजह से आती है। देखो ड्राई वेदर जो होता है या ड्राई वेदर होता है फिर उसके बाद मॉइस्ट आता है तो भी अपने क्रैकिंग देखने को मिलेगी। कुछ टाइम तक पानी नहीं दिया फिर एक साथ बहुत सारा आपने पानी का एप्लीकेशन दे दिया, इरिगेशन एप्लीकेशन दे दिया, तो भी क्रैकिंग देखने को मिलेगी। नाइट्रोजन की टॉक्सिसिटी से देखने को मिलेगी, बोरोन की डेफिशिएंसी से अपने को देखने को मिलेगी। तो अपने कंट्रोल प्रॉपर इरिगेशन देंगे, नाइट्रोजन एडिक्वेट क्वांटिटी में देंगे, टॉक्सिक क्वांटिटी में नहीं देंगे। बोरेक्स का एप्लीकेशन करेंगे, सॉइल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, स्प्रे भी दे सकते हैं, यानी फोलियर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, जिससे अपने इसका कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है सिट्रस फ्रूट स्प्लिटिंग। देखो ये इस तरह की स्प्लिटिंग देखने को मिलती है सिट्रस में, तो सिट्रस के अंदर जो स्प्लिटिंग देखने को मिलती है वो नाइट्रोजन टॉक्सिसिटी की वजह से, मॉइस्चर इम्बैलेंस की वजह से, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलती है। देखो सिट्रस में बोरोन का इतना मेजर रोल नहीं होता जितना कैल्शियम का होता है, तो सिट्रस फ्रूट स्प्लिटिंग मेनली कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होती है, नाइट्रोजन टॉक्सिसिटी की वजह से और वाटर इम्बैलेंस की वजह से होता है। कभी कभार बोरोन डेफिशिएंसी से ये देखा जा सकता है, लेकिन जो मेन रीजन होता है वो कैल्शियम। अगर आपसे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी पूछे तो कैल्शियम और टॉक्सिसिटी पूछे तो नाइट्रोजन होता है। हाँ अगर आप कॉम्बिनेशन में पूछा जाए तो फिर कैल्शियम और बोरोन दोनों की डेफिशिएंसी अपने बता सकते हैं। वाटर इम्बैलेंस तो रहेगा ही रहेगा, उसकी वजह से स्प्लिटिंग होती है। वही पहले आपने ड्राई स्पेल रखा फिर एक साथ पानी दे दिया तो इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट है ब्राउन स्पॉट इन एप्रीकॉट। पीछे अपने पढ़ा था ब्राउन स्पॉट जो एप्रीकॉट होते हैं इस पर इस तरह के ब्राउन स्पॉट बन जाते हैं, ये भी बोरोन डेफिशिएंसी से होता है। अगर अपने इसका कंट्रोल करना चाहते हैं तो बोरेक्स का सॉइल एप्लीकेशन या फिर फोलियर एप्लीकेशन देंगे। ये अपने आज के इस वीडियो के अंदर बोरोन की डेफिशिएंसी से होने वाले डिसऑर्डर पर डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने कैल्शियम डेफिशिएंसी से होने वाले डिसऑर्डर जैसे क्लेक्सिएंड्रोट बहुत सारे हैं जो कैल्शियम डेफिशिएंसी से होते हैं, तो इन डिसऑर्डर की अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।